नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंदे हम श्री गुरु श्री उत्पल कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तुम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्लोक संख्या 8। आप सभी लोग मेरे साथ बोलिएगा। रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भसंबंधः कुतो देहांतरं विना रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भसंबंधः कुतो देहांतरं विना रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भसंबंधः कुतो देहांतरं विना रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो देवक्या गर्भसंबंधः कुतो देहांतरं विना रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भसंबंधः कुतो देहांतरं विना रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो
बलदेव की माता रोहिणी देवी का तनयः पुत्र प्रोक्तः विख्यात रामः बलराम शंकरषणः शंकरषण और कोई नहीं बलराम है जो चतुर्व्यूह शंकरषण अनिरोध प्रद्युम्न तथा वासुदेव में प्रथम है। त्वया आपके द्वारा ऐसा कहा जाता है देवक्यः कृष्ण की माता देवकी का गर्भ संबंध गर्भ संबंधी कुतः कैसे देह अंतरम शरीरों के स्थानांतर के बिना। हे सुखदेव महाराज परीक्षित कह रहे हैं महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी आप पहले ही बता चुके हैं कि द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित संकर्षण रोहिणी के पुत्र बलराम के रूप में प्रकट हुए। यदि बलराम को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित न किया गया होता तो यह कैसे संभव हो पाता कि वे पहले देवकी के गर्भ में रहते और बाद में रोहिणी के गर्भ में। कृपया मुझसे इसकी व्याख्या कीजिए। तत्पर प्रभुपाद के द्वारा यहाँ पर एक प्रश्न उठाया गया है कि जो विशेष रूप से साक्षात संकर्षण बलराम को समझने की ओर लक्षित है। यह प्रसिद्ध है कि बलराम रोहिणी के पुत्र थे किंतु यह भी ज्ञात है कि वे देवकी के पुत्र थे। परीक्षित महाराज इस रहस्य को जानना चाहते हैं कि बलराम देवकी तथा रोहिणी दोनों के ही पुत्र किस तरह थे। तो यह बहुत सुंदर प्रसंग है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आज पूर्ण तिथि में बैठे हुए हैं। आज भगवान बलराम का प्राकट्य दिवस है। आज ही बलराम भगवान माता रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए और आज रक्षाबंधन भी है और स्वतंत्रता दिवस भी है। तो तीन चीज आज है रक्षाबंधन। आज ही के दिन हम लोगों का देश स्वतंत्र भी हुआ था और आज भगवान बलराम का आविर्भाव दिवस है। भगवान हम लोगों के बीच में आए तो आप लोग ये सब कथा जानते हैं। इसके विषय में अभी भी मैं चर्चा करूंगा और शाम के सत्र में भी करूंगा। ये बहुत सुंदर कथा है। इस पर तीन चार दिन भी कथा किया जा सकता है लेकिन अति संक्षेप में हम लोग सुनेंगे। भगवान कृष्ण का जन्म भी आने वाला है। 8 दिन बाद भगवान कृष्ण भी हम लोगों के बीच में प्रकट होंगे। ऐसे तो हैं ही भगवान नित्य रहते हैं। तो कथा कहने वाले हैं सुखदेव गोस्वामी और भागवत कथा को सुनने वाले हैं महाराज परीक्षित। देखिए दोनों कितने महान हैं कितने श्रेष्ठ हैं कहने वाले भी और सुनने वाले भी। और सच पूछिए तो सुनने वाले जब महान होते हैं तो कहने वाले का भी मन लगता है। और कहीं कहीं यह भी देखा जाता है कि कहने वाले से भी ज़्यादा दक्ष सुनने वाले होते हैं। तो महाराज परीक्षित एक बहुत बड़े धर्मात्मा हैं बहुत बड़े राजा हैं और बहुत बड़े महात्मा भी हैं संत भी हैं साधु भी हैं। तो महाराज परीक्षित गंगा किनारे बैठे हुए हैं। सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रेम से कथा को सुना रहे हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक कथा सुने अब चतुर्थ दिन की कथा सुन रहे हैं 4th दिन की कथा। भागवत की परंपरा है जब 7 दिन की कथा जब होती है तो कहाँ से कहाँ तक कथा कहनी चाहिए बताई गई है कि प्रथम दिन जब कथा होती है तो मनु कर्दम संवाद
प्रथम दिन की कथा वहाँ तक कहते हैं। अब इस समय कहाँ संभव है, लोग भाग कर जाते हैं, इसीलिए अपने मंदिर में नियम बनाया गया कि वैसे कथा नहीं कहनी चाहिए। लेकिन ऐसे अगर जिसको कहना है तो इतना प्रयास करना पड़ेगा, एक एक अध्याय को कहना पड़ेगा। तो प्रथम दिन की कथा का क्रम है प्रथम स्कंद से लेकर के और तीसरा स्कंद के 21वां अध्याय तक, मनोकर्दम संवाद। और दूसरे दिन की कथा तीसरा स्कंद के 22 अध्याय से प्रारंभ करके और भरतो उपाख्यान अर्थात 15वां अध्याय तक, और कोई कोई 7वां अध्याय कहते हैं लेकिन 15 अध्याय तक, भरतो उपाख्यान पर्यंतम, पर्यंतम माने 15 अध्याय तक है। तीसरे दिन की कथा जब कहेंगे आप तो पंचम स्कंद के 16वां अध्याय से प्रारंभ करके और सप्तम स्कंद पूरा कर देना है, प्रहलाद महाराज के चरित्र सब पूरा करना है। और चतुर्थ दिन की कथा जब करेंगे तो अष्टम स्कंद, नवम स्कंद और दसम स्कंद के भगवान के जन्म तक, 3 अध्याय तक की कथा दसम स्कंद के, ये है चौथा दिन की कथा। और पांचवें दिन की कथा 4 अध्याय से लेकर 10 स्कंद के और इसके बाद में रुक्मिणी विवाह तक, 10 स्कंद के 54 अध्याय तक, ये पांचवें दिन की कथा है। और षष्टम दिन की कथा प्रद्युम्न के जन्म से लेकर के 55 अध्याय से चालू करके और 11 स्कंद के 13वां अध्याय तक, हंसोपाख्यान। और षष्टम दिन की कथा 11 के 14 से प्रारंभ करके और 12 के 13 तक, तो इस तरह 7 दिन का क्रम है। तो महाराज परीक्षित कथा सुन रहे हैं, बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, एक एक शब्द को सुन रहे हैं, उनके पास समय बहुत कम है। अगर देखा जाए तो महाराज परीक्षित बहुत व्यस्त हैं और समय बिल्कुल कम है। जिसके पास मात्र 7 दिन का समय हो और उसमें भी लगभग अब 4 दिन का समय बीत चुका है, बड़ी सावधानी से सुन रहे हैं कथा को। तो सुखदेव गोस्वामी अभी अभी चंद्र वंश और सूर्य वंश का वर्णन किए, सूर्य वंश पहले वर्णन किए, इसके बाद में चंद्र वंश का वर्णन किए, ये 9 स्कंद में कथा है। तो महाराज परीक्षित अब बोलना प्रारंभ करते हैं 10 स्कंद में, कहते हैं कि हे भगवान, पहले तो सुखदेव गोस्वामी 9 स्कंद समापन करते करते बहुत संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को बता दिए। यस्याननम मकर कुंडल चारुकर्णम भ्राजत कपोल सुभगम सबिलास हासम नित्योत्सवम न तत्रिपो दृष्भि पिबंत्यो नारियो नराश्च मुदिता कुपिता निवेश्य। ये सब प्रसंग है। कहते हैं कि भगवान का मुख बहुत सुंदर है, उनके मुख कमल को देख करके ब्रज की गोपियाँ बार बार भगवान के सुंदर मुख को देखना चाहती हैं, और बीच बीच में जब पलक गिरता है तो निमि को कोसती हैं, ब्रह्मा जी को कोसती हैं कि तुमको थोड़ा भी समझ में नहीं आया, पलक क्यों बना दिया, पलक के कारण हम परमानंद घन भगवान श्याम सुंदर को जिस रूप में देखना चाहिए नहीं देख पाती हैं, डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कोई बांके बिहारी मंदिर में जाता है दर्शन करने और बेचारा भी देख ही रहा है तब तक पट बंद है, कोई अच्छा से कोई कोई देख भी नहीं पाते हैं। तो इसी तरह गोपीजन एक क्षण के लिए भी भगवान के सुंदर मुख को छोड़ना नहीं चाहती हैं, तो कोस रही हैं विधाता को कि आपने ठीक नहीं किया पलक बना करके। वो है भगवान श्री हरि, सुखदेव जी कहने में इस बात को बता रहे हैं। कहते हैं कि वही भगवान ब्रज में अवतार लिए, 11 वर्ष तक ब्रज में लीला किए और 11 वर्ष के बाद में मथुरा गए, मथुरा जाकर के 18 वर्ष तक भगवान लीला किए, मथुरा लीला। और इसके बाद में जब द्वारिकापुरी गए तो द्वारिका और हस्तिनापुर सब लेकर के लगभग 100 वर्ष तक, इस तरह भगवान इस धाराधाम पर 129 वर्ष तक रहे और बहुत दुष्टों का वध किए, कंस आदि को मारे, 16108 विवाह किए,
और अंत में इस धरा धाम को छोड़ करके भगवान ने अपने नित्य धाम के लिए प्रस्थान किया। और उस समय भी जब सभी लोग मारे गए थे तो बहुत मस्त थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। तो अति संक्षेप में कथा समाप्त करते हैं तो महाराज परीक्षित को लगा कि अरे अरे, मैं जिन प्रभु की कथा को सुनने के लिए मैं इतने दिन से बैठा हूँ, हाथ जोड़ करके बैठा हूँ, उन्हीं की कथा को बहुत संक्षेप कर रहे हैं, इसमें क्या जल्दी है। तो महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि हे भगवान, जिन भगवान के कृपा से, जिस प्रभु के कृपा से हमारे पितामह लोग बड़े बड़े अतिरथी, बड़े बड़े महारथी पर विजय प्राप्त किए, उस प्रभु के चरित्र को मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो मान लीजिए आचार्य लोगों का मत है यहाँ पर, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अरे भाई, मैं इसलिए जल्दी कराता है कि तुम थक गए होंगे, तुमको भूख लग गई होगी, प्यास लग गई होगी, आलस आती होगी, थोड़ा रेस्ट कर लो, कुछ प्रसाद ले लो। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि नहीं भगवान, मुझे भूख बिल्कुल नहीं है। नय साती दुस्सहाम क्षुण्माम त्यक्तो दम पिबाधते, हमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, शारीरिक कष्ट है ना, मानसिक कष्ट है, कुछ भी कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कहे नहीं दिक्कत है, तुमको भूख नहीं लगी है, प्यास लगी होगी, थोड़ा पानी तो पी लो। कहे नहीं नहीं मुझे प्यास नहीं है। तो सुखदेव जी कहे, प्यास नहीं है, तुमको तो इतना जोर से प्यास लगती है कि तुम महात्मा के गले में सांप डाल देते हो और कह रहे हो कि प्यास नहीं लगी है। तो कहे कि नहीं नहीं मैं तो पी रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। सुखदेव जी कहे, क्या पी रहे हो? तो आपके मुख से निकली हुई जो कृष्ण की कथा रूपी अमृत है, उस अमृत का मैं पान कर रहा हूँ। आपके मुखारविंद से जो निकली हुई दिव्य अमृतमयी कथा है, उसका मैं पान कर रहा हूँ, इसलिए मुझे किसी प्रकार का कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई थकान नहीं, कुछ भी नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, और इन्होंने प्रश्न किया था कि रोहिण्यास तनयः प्रोक्तः रामः संकर्षणस्तया देव क्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना। इसी सब बातों में कहने में प्रश्न कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं यह भी सुना हूँ आप ही के मुख से, और भी सुना हूँ कि रोहिणी जी के जो लड़के बलराम जी हैं, यह बलराम जी देवकी के गर्भ में आए थे, मैं सुना। और प्रश्न कर रहा हूँ कि यही बलराम जी माता देवकी के गर्भ में आए थे और वहीं फिर रोहिणी के पुत्र बन गए, और कह रहे हैं कि बिना देह के अंतर किए देह को छोड़ना भी नहीं पड़ा एक ही शरीर से, तो ये कैसे हुआ, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा समझाइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस तरह की घटना ऐसे कैसे हुआ, हम जानना चाहते हैं। तब भगवान के परम भक्त सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, जानना चाहिए। जन्म लेते ही सुखदेव गोस्वामी जंगल में चले गए थे, 12 बरस तक अपने माता के गर्भ से निकल ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं निकल रहे थे? कि माया का ऐसा प्रभाव है कि इस संसार में आते ही लोग भटक जाते हैं, जिसके लिए आए हैं उसको न करके दूसरे चीज करने लगते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी इसी भय से नहीं आ रहे थे, बिल्कुल नहीं आ रहे थे, कहे नहीं नहीं मैं संसार में नहीं जाऊंगा, संसार रहने लायक नहीं, संसार नहीं है रहने का, यह रहने लायक नहीं है संसार। लेकिन कहा गया कि नहीं, आपको कोई माया बाधित नहीं करेगी, आप आइए। तब सुखदेव गोस्वामी आए, लेकिन यम प्रव्रजन तमन पे तम पे तकते, वो सीधे जंगल में चले गए। लेकिन जब उनको भगवान के सुंदर रूप गुण लीला को सुने, अहो वकीयम बरहा पीडम, ये सब सुने तो भागते हुए आए। देखिए कृष्ण के कितने बड़े भक्त हैं, आए। और इससे भी हम लोग समझ सकते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी के साथ में इंद्र के यहाँ गए थे, इंद्र के यहाँ गए थे देने के लिए कुंडल, और कुबेर जी को छत्री देने के लिए गए थे,
सब लौटाने के लिए भगवान जब गए, भौमासुर का वध किए थे, सब लेकर के गए थे, तो उस समय सत्यभामा जी की इच्छा हुई कि हम यहाँ के इस पुष्प को ले चले, जो पारिजात पुष्प है, और उसको भगवान आदेश दिए गरुण जी को कि ले चलो। तो इंद्र उस समय मारने के लिए वज्र छोड़ दिया था, तो उस समय सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि वह कामी इंद्र अपने पत्नियों को प्रसन्न करने के लिए भगवान पर वज्र छोड़ दिया। और भगवान के लिए क्या कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि हमारे प्यारे भगवान प्रभु अपने प्रिया के लिए उस पुष्प को ले रहे थे। अब देखिए, वो भी भगवान ही तो अपने पत्नी के कहने पर ले रहे थे, लेकिन वहां सुखदेव जी बोल रहे हैं कि अपनी प्रिया के कहने पर भगवान उस पुष्प को ले रहे थे, लेकिन वह कामी इंद्र। इससे सिद्ध होता है कि सुखदेव जी कितने बड़े भक्त हैं कृष्ण के, बहुत बड़े भक्त हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जब सुने तो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए महाराज परीक्षित के इस तरह की जिज्ञासा को सुनकर के, अत्यंत प्रसन्न हो गए और कहे कि देखो बात ऐसी है कि माता देवकी के गर्भ से क्रमशः पुत्र जन्म ले रहे थे। प्रथम बालक कीर्तिमान जी हुए, दूसरे पुत्र हुए सुसेन, तीसरे रिजु हुए, चौथे संवर्धन हुए, पांचवे पुत्र हुए भद्र, और छठवें जो लड़के थे उनका नाम था कीर्तिमान, सुसेन, भद्र, रिजु, संवर्धन, और एक है भद्र, एक भद्रसेन और एक भद्र। तो इस प्रकार छह बालक जन्म ले लिए, और सातवें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान के ही अंश, द्वितीय बपू जिसको कहा जाता है, वह माता देवकी के गर्भ में आए। तो भगवान अब वहाँ पर जोग माया को भेज रहे हैं। जोग माया को कहते हैं कि तुम जाओ, जोग माया को भगवान बुलाए, और जोग माया को बुला करके कहते हैं कि गच्छ, दूसरा अध्याय में, दशम स्कंद के दूसरा अध्याय में बुलाते हैं भगवान, 7 नंबर का श्लोक है, कहते हैं कि गच्छ देवी ब्रजम भद्रे, हे देवी तुम्हारा कल्याण हो। जब जोग माया को बुलाए तो आ करके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, सारे देवी देवता भगवान के सामने खड़े रहते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व जस्य भुवनान्य विभर्ती दुर्गा, सब लोग भगवान के इशारे पर काम करते हैं। जैसे अगर भगवान आदेश दे दिए कि यहीं खड़ा रहना है तो चुपचाप खड़े रहते हैं, तो देवी आई और आकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। भगवान कहे कि आप जाओ, गच्छ, लोट लकार का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, आज्ञा दे रहे हैं। गच्छ शब्द लोट लकार में होता है, और आज्ञा किसको दिया जाता है, जो छोटे होते हैं। बड़े के लिए अगर बोलना होता तो गच्छे कहते हैं, गच्छे, आदर में आपको जाना चाहिए। कभी कभी बड़े व्यक्ति से भी कहा जाता है तो आदर में कहा जाता है, विधि लिंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ लोट लकार आदेश दे रहे हैं, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे, हे देवी तुम ब्रज में जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भी कल्याण होगा और ब्रजवासियों का भी कल्याण होगा, तुम जाओ। गच्छ, उस ब्रजमंडल को सजाना है सुंदर ढंग से, और वो ब्रजमंडल ऐसे ही सजा हुआ है, और वहाँ जा करके आपको करना क्या है कि जो देवकी जी हैं वो वसुदेव जी की पत्नी हैं, और रोहिणी जी भी वसुदेव जी की पत्नी हैं। एक बार महाराज के मुखारविंद से मैं सुना था कि वसुदेव जी की 17 पत्नियाँ हैं, ऐसे 13-14 का तो स्पष्ट नाम है इसमें। तो रोहिणी जी बड़ी पत्नी थी और देवकी जी छोटी थी, और देवकी जी के साथ में वसुदेव जी थे जेल में, और सब पत्नियों को अलग अलग जगह में रख दिया गया था कंस के प्रभाव से, और रोहिणी जी नंद भवन में रह रही थी। तो भगवान ये सब जानते हैं कि रोहिणी जी भी भगवान वसुदेव जी के ही पत्नी है, तो भगवान कहे कि आप जाओ, और जा करके क्या करो कि उस बालक को माता देवकी के गर्भ से निकालना है, और सीधे उसी बच्चे को, वो मेरा अंश है, कोई दूसरा नहीं है, मैं ही हूँ,
उनको निकाल करके आपको माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना है। और ये ध्यान देना है कि जैसे तैसे नहीं निकालना है, बिल्कुल सावधानी पूर्वक माता को किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि माँ को कष्ट हो, माता देव की कष्ट में हो जाए, ऐसा नहीं करना है। और माँ को नहीं, उस बच्चे को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ये ध्यान देना है। तो कहीं ठीक है, और इसको करके उस बच्चे को बिल्कुल सुरक्षित माता रोहिणी के गर्भ में भी रखना है। वहां भी बच्चे को कष्ट नहीं होना चाहिए रखते समय, और माता को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। इस बात को सुन करके देवी कह दे कि प्रभु ये छोटा मोटा काम है, आप इतना बड़ा काम करने के लिए कह रहे हैं। आज के दृष्टि से अगर हम लोग सोचें तो आज के डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, छोटा सा कोई भी इलाज करना होता है तो कितना कष्ट देता है। किसी माँ के बच्चे होने वाले होते हैं और ले जाइए और कहिए डॉक्टर से कि आप आसानी से निकालो, कोई कष्ट ना हो, तो ऐसा नहीं, पहले वो साइन पहले ही करा लेता है कि कुछ भी होगा हमारा रिस्क नहीं है, और पैसा ज़्यादा लेता है, शरीर को काटता भी है, कष्ट भी होता है। तो माता को कोई कष्ट, दोनों माँ को कष्ट नहीं होना चाहिए, ध्यान देना। और बलराम, मेरे जो अंश बलराम है, उनको भी कोई कष्ट ना हो। तो देवी कही कि इसके बदले में कुछ इनाम देंगे कि केवल इसी तरह काम करवाएंगे? कुछ भाई चाहिए ना, बहुत बड़ा काम करने के लिए कह रहे हैं आप। तो भगवान कहे कि देखो तुम चिंता मत करो, पहले तो तुम मेरी बहन बनोगी, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। तुम जसोदा के यहाँ जन्म लोगी, तो जसोदा के जन्म लेने के कारण एक तरह से तुम हमारी बहन हो गई, बहन बनोगी ना। जसोदा जी के यहाँ वो जन्म ली है, और भगवान भी माता यशोदा के यहाँ जन्म लिए हैं। और सबसे बड़ा चीज दे रहे हैं कि तुम 14 नाम से प्रसिद्ध होगी, 14 नाम से, दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवेति च, ये सब नाम है। भगवान स्वयं नामकरण कर रहे हैं, नामकरण करके भेज रहे हैं। इससे भी लोगों को समझ जाना चाहिए, देवी भक्तों को, कि कृष्ण बड़े हैं, जो नामकरण कर रहा है वो ऐसे ही बड़ा है, गुरु है, श्रेष्ठ है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। तो तुम्हारा 14 नाम होगा, दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका, ये सब तुम्हारे नाम होंगे। इन 14 नाम से तुम प्रसिद्ध होगी, इस संसार में लोग तुमको पूजेंगे। सच पूछिए तो अगर कोई देवी के पास जाता है और प्रणाम करता है, कृष्ण भक्ति अगर मांगे तो बहुत जल्दी देते हैं, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। अगर दूसरी बात की, अगर कोई कृष्ण का भजन करता है तो देवी बहुत खुश रहते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होती हैं। लेकिन जो नहीं समझने वाले हैं वो नहीं समझ पाते हैं इस बात को। तो इस तरह भगवान कह करके भेजे, और वो सीधे आई, आ करके अब अपना काम प्रारंभ कर दे कि माता देवकी के गर्भ से उस बच्चे को निकाली, और निकाल करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित की। और समय के अनुसार आज के दिन ही भगवान बलराम माता रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए। अब यहाँ कहते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान के विषय में आप जानते हो, यदि आप कहो कि हाँ, तो क्या जानते हो? अगर कोई पूछे कि आप भगवान के विषय में जानते हो, तो कोई कहे कि हाँ हाँ मैं तो जानता हूँ, तो क्या जानते हो बताओ? माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, मायाबद्ध जीवों को स्वतः कृष्ण का ज्ञान नहीं हो सकता है। जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण, इन जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वतः आकर के और इस दिव्य ज्ञान का उपदेश करते हैं। भगवान जिसको बताना चाहते हैं वही समझ सकता है, जान सकता है, ऐसे कोई नहीं जान सकता है।
चैतन्य महाप्रभु जब वेंकटेश्वर, उनके पिताजी का क्या नाम है, गोपाल भट्ट, हाँ वेंकट भट्ट के पास में जब गए तो वहाँ प्रश्न जिज्ञासा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा बताइए लक्ष्मी जी के विषय में। तो लक्ष्मी जी किस प्रकार ब्रज में आकर के मतलब कृष्ण का उपासना करे, वो तो विष्णु के हैं, ऐसे करके मतलब जानना चाहते हैं, उनको ज्ञान देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन ऐसे करने लग रहा है कि भंगिमा के द्वारा कि वो खुद सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो जब किसी को कोई ज्ञान देना चाहे, भगवान जब तक ज्ञान नहीं देंगे कोई नहीं समझ सकता है, नहीं जान सकता है। तो माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण। जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए इस तरह का व्यवस्था किया गया। माया से मुग्ध ठगे हुए जीव को स्वतः कृष्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। जो माया से ठगे हुए जीव हैं वो चाहे कि मुझे स्वतः कृष्ण का ज्ञान हो जाए, भगवान का ज्ञान हो जाए, तो नहीं हो सकता है, नहीं समझ सकता है। अब ये भूमिका है बलराम जी के जन्म और लीला के लिए, इसलिए आप लोग समझिएगा। इसलिए उनके ऊपर कृपा करके भगवान ने वेद और पुराणों की रचना किया है। जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान वेद और पुराण को बनाए हैं, रचना किए हैं। शास्त्रों में भगवान के विषय में वर्णन किया गया है कि भगवान को जानने का मतलब उनके स्वरूप तत्व को जानना, अर्थात उनके नामों, उनके गुणों, उनके रूपों और उनके कार्यों को जानना। भगवान के रूप कैसा है, भगवान का गुण कैसा है, भगवान का कार्य कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का जानने का मतलब ये सब जानना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने एक बार कहा था कि भगवान के बारे में बस इतना जान लो कि तुम कभी उन्हें पूरा पूरा नहीं जान सकते, बस इतना ही समझ लो, प्रभुपाद के द्वारा कहा गया है। अगर कोई सोचे कि मैं पूरा पूरा जान गया तो नहीं जान सकता। एक भक्त का उद्गार है कि भगवान के अनंत 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 लीला है, एक लीला नहीं है, एक कथा नहीं है कि बस हम जान गए, हम कह दिए। कहते हैं कि सात समुद्र की मसी करो, सातों समुद्र के जल को लेकर के अगर स्याही बना दिया जाए, कहने से नहीं समझ में आता है, जब समुद्र को देखेंगे तब समझ में आता है कितना पानी होता है, बहुत जल होता है, अथाह अपार जल। उन सातों समुद्र के जल को अगर कोई लेकर के स्याही बना दे और लेखन सब बन रहा है, जितनी जंगल के वृक्ष हैं उन सभी वृक्षों को लेखनी बना दिया जाए और धरती सब कागज करो, जितनी पृथ्वी है उस पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, कॉपी बना दिया जाए, फिर भी कृष्ण गुण लिखा न जाए। भगवान के अनंत महिमा है, अनंत भगवान के अनंत महिमा को कोई लिख सकता है ना, वर्णन कर सकता है ना, समझ सकता है। लेकिन हाँ, अगर भगवान समझाना चाहे तो समझ जाएगा, ये भी एक बात है। भगवान अगर बताना चाहें, जानना चाहें तो जान जाता है, समझ जाता है। इसी बात को कह रहे हैं प्रभुपाद कि भगवान के बारे में बस इतना जान लो कि तुम कभी उन्हें पूरा पूरा नहीं जान सकते, बस इतना ही समझ लो। अर्थात भगवान का सब कुछ असीम है। अगर सुंदरता को ले लीजिए तो भगवान जैसा कोई सुंदर नहीं है, वो असीम है, इतनी सुंदर है, इतने सुंदर है। आजकल व्यक्ति कुछ समय सुंदर दिखाई देता है, तब तक वही व्यक्ति कुछ दिन के बाद अरे अब ठीक नहीं लग रहा है, इसका मतलब वह सुंदर नहीं है। कुछ समय के लिए देखने में लगता है सुंदर है, बाल आया तब तक वही बाल सफ़ेद हो गया, तब तक दांत टूट गया, तब तक आँख नीचे चला गया, सुंदर नहीं है। लेकिन भगवान हमेशा एक रूप में रहते हैं और उनको जो देखता है वो देखते ही रह जाता है। एक बार की बात है, भगवान के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए मैं एक शब्द केवल बताना चाहता हूँ कि भगवान इतने सुंदर हैं कि एक बार राधा रानी बैठी हुई थी और रो रही थी, बहुत रो रही थी, कैसे कृष्ण के पास अपना संदेश भेजूं, कैसे भेजूं, कैसे भेजूं। तो
तो राधा रानी क्या की कि सोची कि सबसे सुंदर संदेश को ले जाने वाला यह बादल है, क्योंकि बादल सब जगह जाता रहता है, तो मैं क्यों नहीं इस बादल से ही इस पत्र को भिजवा दूँ। कितने बजे तक हमको बोलना है? तो नहीं जा तो क्या है कि वो उस पत्र को दी और बादल से कहती है, उसको भैया संबोधन करते हुए कहती है, हे भैया, हे बादल, आप मेरे भाई हो, हमारे दुख को समझो। तो कहा, हाँ बोलिए बहन, क्या करना है? तो कही कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे इस पत्र को ले जाइए और ले जा करके मेरे प्यारे श्याम सुंदर को दे देना, कृष्ण को दे देना। तो बादल भी अब विशेष जानना चाहता है भगवान के विषय में, कहता मैं कैसे पहचानूंगा कि ये आपके प्यारे श्याम सुंदर हैं, मैं उनको दूंगा। तो किशोर जी कहते वो सांवले हैं, उनका रंग सांवला है, इसलिए ले जाकर दे देना। तो बादल कहते कि सांवला तो कोई भी हो सकता है, केवल कृष्ण ही सांवले थोड़े हैं, दूसरे भी सांवले हो सकते हैं, तो क्या मैं उनको दे दूँ, और कोई पहचान बताइए? तो कहते हाँ हाँ, वो पीला वस्त्र पहनते हैं। तो बादल कहते पीला तो कोई पहन सकता है, तब कहते हैं कि वो मोर के पंख को धारण करते हैं। तो बादल कहा, जब बात कर रही हो बहन, मोर का पंख तो कोई भी लगा सकता है अपने सिर में, तो क्या वो आपके प्रियतम है? कहे नहीं नहीं। अब राधा रानी कहती है कि अब क्या, फिर कहते हैं कि सुनो सुनो सुनो, हमारे जो प्रियतम हैं वो हैं कि वो जिधर चलते होंगे, जिस रास्ते से निकलते होंगे, लाखों करोड़ों लोग उनके तरफ आकर्षित होकर के देखते होंगे, वो मेरे प्रियतम हैं। तब बादल कहा कि हाँ, यह परिचय बहुत सुंदर, मुहवा लखत हुई हैं, लाख लोग साथ हो, बिरन बदरा मोर ले ले जा संदेशावा, बिरन बदरा। हे बादल भैया, आप मेरे इस पत्र को ले जाओ, ले जा करके मेरे प्यारे प्रियतम श्याम सुंदर को दे देना, जिनके मुख कमल को लाखों लोग देखते होंगे। जब भगवान निकलते थे वृंदावन से, जब जाते थे शाम को गाय चराते हुए घर के लिए प्रस्थान करते थे, अपने भवन के लिए जाते थे, तो सभी लोग एकटक, गोपियाँ, ग्वाल बाल, सभी लोग, यहाँ तक कि गायें भी भगवान के मुख को देख करके विभोर हो जाया करते थे। गायों को हाँकना नहीं पड़ता था, जिधर जिधर भगवान चलते थे उधर उधर भागती थी। ये है भगवान के सुंदर मुख है। तो एक चीज को अगर लीजिए तो भगवान के सौंदर्य को ही ले लीजिए, तो वह असीम है, भगवान का सब कुछ असीम है। अतः उनके विषय में क्या कहा जाए, वे दुर्बोध हैं, यही तात्विक विचार है। उनके अनेकों नाम रूपों में एक श्री बलराम भी हैं, उनके अनेक नाम है, अनेक रूप है, उसमें से एक नाम क्या है, बलराम है। अनेकों नेक में से एक बलराम है। श्री बलराम जी के विषय में महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, जिस श्लोक में बोला था अभी आप लोग, जिस श्लोक का उच्चारण किए कि रोहिण्यास तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना। भगवान, आपने अभी बतलाया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे, अभी अभी आपने बताया, इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना कर दी, रोहिणी के पुत्रों में भी उनको गिने और देवकी के पुत्रों में भी, तो बिना शरीर परिवर्तन किए दो माताओं के पुत्र होना कैसे संभव है, कैसे संभव हो सकता है? तो इसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं, भागवत के दसम स्कंध के दूसरा अध्याय के 5 से 14 श्लोक में। भगवान अपि विश्वात्मा, इसका उत्तर है 14 तक, कह रहे कि भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजम भयम यदूनाम निजनाथानाम योग मायाम समाधिसत। भगवान अपि विश्वात्मा, भगवान, भगवान श्री हरि कंस के, उस दुष्ट कंस के अत्याचार को समझ रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे। तो भगवान क्या किए कि उस समय
सीधे बुलाते हैं और बुला करके जोग माया को बुलाते हैं, दूसरा अध्याय में है ना। भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजम भयम यदूनाम निजनाथानाम योग मायाम समाधिशत। कंस के आक्रमण से अपने निजी भक्त यदुओं को रक्षा करने के लिए विश्वात्मा भगवान ने योग माया को इस प्रकार आदेश दिया। अब इस पर बहुत सुंदर भाव लिखे हैं सनातन गोस्वामी, तत्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि श्री सनातन गोस्वामी ने भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजम भयम की टीका इस प्रकार की है कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान अपि, भगवान कौन है तो कृष्ण है, वे विश्वात्मा हैं क्योंकि उनका स्वांश परमात्मा के रूप में विस्तार करता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में होती है, क्षेत्रज्ञम चापि माम वेदम सर्व क्षेत्रे सुभारत। भगवान कृष्ण सभी जीवों के क्षेत्र अर्थात परमात्मा हैं, वे भगवान के समस्त अंशों के आदि उद्गम हैं, विष्णु के लाखों अंश हैं, यथा संकर्षण प्रदुम्न अनुरोध तथा वासुदेव। किंतु इस भौतिक जगत में विश्वात्मा तो क्षीरोदक साई विष्णु है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेऽर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, परमेश्वर समस्त जीवों के हृदय में स्थित है, अपने अंश विष्णु तत्व के रूप में कृष्ण वस्तुतः विश्वात्मा है, फिर भी अपने भक्तों के स्नेहवश उन्हें निर्देश देने के लिए परमात्मा का कार्य करते हैं। तो यहाँ मतलब भगवान जो हैं श्री कृष्ण, भगवान अपि विश्वात्मा, जो सारे जगत के आत्मा हैं, वह भगवान समझ रहे हैं कि वह दुष्ट जो कंस है परेशान कर रहा है, यदुवंशियों को बार बार तंग कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि भगवान ने योग मायाम समाधिशत योग माया को बुलाया और बुला करके आदेश दिया। अभी आप लोग सुने कि बुलाए और बुला कर कहते हैं कि गच्छ देवी, हे देवी तुम जाओ। तो इस तरह यहाँ पर 5 से लेकर के 14वां श्लोक है कि संदिष्टैव भगवता तथेत्यो मिति तद्वच प्रतिगृह्य परिक्रम्य गाम गता तथा करोत। भगवान के चरणों में प्रणाम करके वह 14 भगवान से इस तरह आदेश पा करके जोग मैंने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने वैदिक मंत्र ओम के साथ पुष्टि की कि उसने जो कहा गया है उसे वह करेगी। इसके बाद उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परिक्रमा की, जोग माया क्या की कि वहाँ पर भगवान को प्रणाम की और परिक्रमा करके वह पृथ्वी पर स्थित नंद गोकुल नामक स्थान के लिए चल पड़ी। वहाँ उसने वैसा ही किया जैसा कि उसे आदेश मिला था, हूबहू जिस प्रकार भगवान जैसे आदेश दिए थे वैसे ही तद्वच, जैसा वचन बोला था भगवान ने, जैसी वाणी बोली थी, जैसे कहे थे वैसे ही संदिष्टैव भगवता तथेत्यो मिति तद्वच प्रतिगृह्य परिक्रम्य गाम गता तथा करोत। उसने वैसा ही किया जैसे भगवान ने आदेश दिया था। तो भगवान ने क्या आदेश दिया था कि तुम माता के गर्भ से निकालना और दूसरे माँ के गर्भ में स्थापित करना। देवकी के 7वें गर्भ में अवतरण श्री कृष्णा देश से जोग माया द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापना, ब्रज में रोहिणी के गर्भ से श्रावण पूर्णिमा को अवतरण। श्री कृष्ण से केवल भगवान बलराम कितने दिन पहले जन्म लिए हैं? 8 दिन पहले। 8 दिन पहले भगवान जन्म लिए, श्री कृष्ण से केवल 8 दिन पहले प्राकट्य। इसलिए सुखदेव गोस्वामी दोनों के अवस्थाओं का वर्णन साथ साथ करते हैं, प्रायः करके दोनों के लीला एक साथ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, लगभग दोनों बराबर 8 दिन बड़े। तो सुखदेव गोस्वामी साथ साथ ही वर्णन कर रहे हैं।
काले न ब्रज तालपे न गोकुले राम के सब जानुभ्याम सह पारिभ्याम रिंग मानो विजय रतु। देखिए सुखदेव गोस्वामी साथ साथ कैसे वर्णन कर रहे हैं कि ये भागवत के दसम स्कंध के आठवां अध्याय में कथा है, जब भगवान कृष्ण और बलराम का नामकरण ये सब हो गया। भगवान का नामकरण कब हुआ है? जब 100 दिन के थे। भगवान श्री कृष्ण जब 6 दिन के थे तो पुतना का वध किए, जब भगवान 3 महीना के हुए तो 60 असुर को मारे, और जब 100 दिन के हुए तो उनका नामकरण हुआ। नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी आए थे। गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने भेजा था, कहता कि आप जाइए और जा करके इन बालकों का नामकरण कर दीजिए, ये दोनों मेरे बच्चे हैं और दोनों बच्चों का नामकरण आप जा करके कीजिए। तो गर्गाचार्य जी नंद भवन में आए हैं और आ करके नामकरण कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी बोल रहे हैं आठवां श्लोक से लेकर के दसम स्कंध के आठवां अध्याय है और आठवां अध्याय के 21वां श्लोक में, जो 21 नंबर का श्लोक है, उसमें यह है कि काले न ब्रज तालपे न गोकुले राम केशव जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंग मानव विजहरतु। ये 21 नंबर का श्लोक है। उससे पहले गर्गाचार्य जी आए और आकर के नामकरण किए दोनों का। नामकरण करते हुए कहते हैं कि यह जो गोरा रंग का है, वो दोनों का परीक्षा लेने के लिए दोनों माताएं क्या की, जब गर्गाचार्य जी वहाँ पहुँचे हैं नंद भवन में, तो दोनों माता देखी कि नंद बाबा बड़े प्रेम से प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप भूत और भविष्य को जानने वाले हैं, सब कुछ समझने वाले हैं, आप तो पर और अवर को जानने वाले हैं, हे महाराज आपका आगमन हुआ मेरे घर में तो धन्य हो गया, आप कृपा करके नामकरण कर दीजिए। तो इस बात को सोच करके यशोदा देव की कही कि अच्छा इतने योग्य हैं तो थोड़ा हम लोग भी परीक्षा ले लेती हैं। तो वो दोनों क्या की कि परीक्षा लेने के लिए रोहिणी जी कृष्ण को अपने गोद में ले लेती है और कृष्ण को माता रोहिणी गोद में लेती है और बलराम को माता यशोदा गोद में ले लेती है। और वसुदेव जी भेजे थे तो नंद बाबा से गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि देखिए मैं नामकरण नहीं करूँगा। तो नंद बाबा कहे कि नहीं महाराज आप नामकरण कर दीजिए। तो फिर एकांत में गए गौशाला में, तो वहाँ जब जाते हैं तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही जिसको यशोदा अपने गोद में ली है, ये यशोदा का लड़का नहीं है, अयम अयम माने यह रोहिणी का पुत्र है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, यह रोहिणी का पुत्र हो रमयन श्रोहितो गुणई, ये रमण करने वाला है, आनंद देने वाला है, रमंती योगिनः जस्मिन इति रामः, जिसमें बड़े बड़े योगी लोग भी रमण करेंगे आनंद का अनुभव करेंगे उसे राम कहते हैं। तो यह जो बालक है ये बहुत सरल स्वभाव का है, बहुत अच्छा है, तो इसलिए इसको आख्यास्यते राम इति, इसलिए लोग इसको राम कहेंगे, आख्यास्यते राम आख्यास्यते, राम के नाम से इसको बुलाएंगे। और बलाधिक्याद बलम विदुः, इसमें बल अधिक होगा, शक्तिशाली होगा, इसलिए इसको बल भी कहेंगे। राम अलग नाम है और बल अलग है, ये जानना चाहिए, लेकिन हम लोग मिलाकर बोलते हैं बलराम। लेकिन नामकरण जब हुआ तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि बड़े बड़े लोगों को आनंदित करेगा इसलिए इसको लोग राम कहेंगे, और बल अधिक होने के कारण इसको बलराम कहेंगे। बलाधिक्याद बलम विदुः, और जानते हैं यह क्या करेगा, इतना ही नहीं यदूनाम पृथक भावा, कभी कभी यदुवंशियों में कुरुवंशियों में लड़ाई होगी, लगेगा कि ये लोग लड़ जाएंगे झगड़ा कर लेंगे, तो ये मिला देगा, दोस्ती कराएगा,
इसलिए इसको संकर्षण भी कहेंगे। और संकर्षण का अर्थ है एक बार कि नहीं मानेगा दुर्योधन जैसा दुष्ट ना, तो सीधे खींचने लगेंगे हस्तिनापुर को, तो इसलिए भी इनका नाम संकर्षण होगा। यह बात तो यहाँ कह रहे हैं, देखिए इस बात को बता करके ये कह रहे हैं कि कृष्ण और राम दोनों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी साथ साथ कर रहे हैं। साथ साथ करने में एक ही श्लोक में आप जाकर देखिए, इसी 21वां श्लोक में इसी अध्याय में कि काले न ब्रज ताल पेनो गोकुलो राम केशव जानुभ्याम सह पाणी भ्याम रिंग मानव बिजह। कुछ ही दिनों में राम और श्याम, राम का वर्णन कर रहे हैं तो श्याम का भी वर्णन करें, और श्याम का वर्णन करेंगे तो राम का भी वर्णन करेंगे, क्योंकि दोनों लगभग साथ के थे। तो दोनों घुटनों के हाथों से चलने लगे, बकैया चलने लगे, और बकैया चल करके गोकुल में खेलने लगे। तो इस प्रकार भगवान श्री बलराम जी ब्रज में आकर के बहुत लीला किए हैं। तो इन सब लीलाओं को हम लोग और भी सुनेंगे शाम के सत्र में, ठीक है। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। देखिए भगवान